and I am going to teach you a Thales theorem or a basic proportion. इसमें कहता है if a line divides any two sides of a triangle, अगर कोई triangle की दो line एक line B से divide करती है, ठीक है, then the line is parallel to the third side. जो line है वो parallel है तीसरे side के. हम इसे vertices का नाम दे देते हैं A D A B C D E, ठीक है, ये है डायग्राम. हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी ए सी अपॉन में सॉरी ये ई है ए सी ए ई अपॉन में ई सी. हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है. और अगर ये गिवन है, जिसने पहले बोल रखा है डी सी जो है पैरेलल है बी सी के, डी ई सॉरी डी ई जो है पैरेलल है बी सी के. प्रूफ करना है वही जो आपको अभी बताया ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी. कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी. जो ए डी है हम इससे बीच से एक लाइन निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी ए ई के, वो है एम. सेम तरीके से ई से एक लाइन निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी इसके ए डी के, ठीक है. तो यानी इसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया ए डी जो है परपेंडिकुलर है ई एन के, एंड ए ई जो है परपेंडिकुलर है डी एम के, ठीक है. अब इसमें प्रूफ करना है हमें जो आपको बताया, अभी प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक. एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ए डी ई. अब ए डी ई को ट्रायंगल लेते हुए एरिया को ए डी ई को ट्रायंगल लेते हुए तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ. बेस क्या होगा इसमें ए डी, इसमें हाइट क्या होगी एन डी, ठीक है. अब दूसरा ये लेते हैं, इसके लिए पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ये, ठीक. ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कोई गलत नहीं है, पर मैंने लिखना नहीं, भूल गया मैं लिखना, ठीक है, सही बताऊँ तो. अब बात करें ट्रायंगल ए बी डी ई की, बी डी ई की इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक तो बी डी, इसमें बेस क्या है बी डी. अब इसमें हाइट क्या है, हाइट इसमें कुछ नहीं है एन ई है. एन ई कैसे हुआ बताता हूँ आपको जरा एक बार नेक्स्ट पेज पे. एन ई के साथ क्या सीन है भाई, जो तेरा एक फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ठीक है. अब इसमें बोला है कि भाई 90 डिग्री निकालो परपेंडिकुलर निकालो, तो इसमें परपेंडिकुलर तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे भी आगे निकालेंगे, तो यानी आउटर सरफेस में आ गया. अब ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है जो सबसे ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल जा रहा होता है, जो सबसे छोटा आउटर भी हो सकता है इनर भी हो सकता है, इससे बाहर भी ना सकते अंदर भी. तो ये है आपका परपेंडिकुलर, जिसमें आपकी ये है आपका बेस और ये है आपकी हाइट. सेम तरीके से इसमें बात करें तो इसमें आपकी ये हो गई बेस और ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है. अगर हम इसे डिवाइड कर दें अपॉन में कर दें तो ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इनटू ए डी अपॉन में ई एन हाफ अपॉन में बी डी इनटू ई एन, यानी हाफ से हाफ गया ई एन से ई एन गया ए डी अपॉन में, ठीक. अब इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है उसी तरीके से अब दूसरे ट्रायंगल की बात करें. इसी ट्रायंगल में एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इमेज बना लेते दूसरे को उस पर, ताकि यह समझने में आसानी हो, दिक्कत ना आए, ठीक है. ए बी सी डी सी एन एम वही सेम डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया.
अब ताकि प्यार से और अच्छी तरीके समझ आ जाए। ठीक, अगर आगे बात करें देयरफॉर, अब बात करें एरिया ए ए ई डी ए ई डी इज इक्वल टू वही हाफ, बेस क्या होगा इसमें, बेस आपका वही होगा ए ई, और आपकी हाइट कितनी होगी वही ई एन एंड ई। ठीक, अब बात करें एरिया ए नहीं डी ई सी की, डी ई सी में बात आती है तो हाफ इंटू, इसमें सेम बेस यही होगा ई सी, और इसमें वही उसी तरीके से जो पिछले क्या था कि इसमें परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इसे परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। जरा मैंने परपेंडिकुलर इसमें गलत ले लिया, डी एम आएगा इसमें परपेंडिकुलर कि हम इसमें कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें कर रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर डी एम होगा। अगर आप बात करें इसको भी सेम तरीके से प्रोपोर्शन में डालें, ई डी अपॉन में ए या डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू में डी एम अपॉन में हाफ इंटू में ई सी इंटू में डी एम, हाफ से हाफ गया, डी एम से टी एम गया, ए ई अपॉन में ई सी। अब प्रोपोर्शनेट करें तो एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इजिकल टू एरिया ए ई डी अपॉन में एरिया डी ई सी। ठीक है, इन दोनों काट दिया जिस क्यू। अब पहले तो ये इक्वेशन आई तो आई कहाँ से, जो ये इक्वेशन है वो आई तो आई कहाँ से, ध्यान से देखो तो ये डी और ई है वो दोनों ट्रायंगल के उस पर आ रहा है, जो दोनों एरिया के ट्रायंगल के बेस पे आ रहा है, ये सेम बेस है, कॉमन बेस है, तो यानी रीज़न लिखेंगे डी ई इज़ अ कॉमन बेस ऑफ बोथ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एरिया बी डी नहीं डी ई सी इज इक्वल टू एरिया बी डी ई। देखिए एक चीज बताना भूल गया मैं, इसे हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, इसे हम लेंगे सेकंड इक्वेशन, और इसे हम लेंगे थर्ड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को एक साथ रखते हैं तो हमारा निकल के आता है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अब ये इक्वल कैसे हुए वो भी एक क्वेश्चन है। जैसे बताया था मैंने, एक ये पॉइंट है फर्स्ट एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी, यह हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन हमारी है एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और थर्ड इक्वेशन है एरिया डी ई सी इज इक्वल टू एरिया बी डी ई, जैसे मैंने अभी प्रूफ किया था। ठीक, अगर हम एरिया डी ई सी की जगह बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड सेकंड, अगर मैं एरिया बी डी डी ई सी की जगह बी डी ई रख दूँ तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, इसी जगह मैं उठा के ये रख दूँ तो एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई।
अब इसी चीज को देखते हुए, थर्ड और फोर्थ को देखते हुए जब तुम कंपैरिजन करोगे तो उसके बाद आपकी आएगी इक्वेशन ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। देख लो एक बार, चेक दोबारा कर लो, क्योंकि इस ये और ये अब दोनों एक जैसे हो गए, तो यानी अब ये और ये इक्वल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो इसकी वजह से ये आया हेंस प्रूव्ड। मांगा गया था ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन में डी बी इसको लिख सकते हैं दूसरे साइड भी, इसको दूसरे साइड भी लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड।